इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेगमेंट के कई सारे वेरिएंट आते हैं, चाहे आप लो रेंज वाला पकड़ लो चाहे हाई रेंज वाला पकड़ लो। हाई रेंज की बेसिकली डिमांड ज़्यादा है, लो रेंज वाले लोग कम खरीदते हैं और कम प्रेफर करते हैं क्योंकि रेंज कम होती है और हमेशा बैटरी डेड होने का खतरा रहता है कि भैया आज अभी लेके निकले कभी डेड हो जाए। वैसे तो इन्फॉर्मेशन देता है मगर कि कुछ समय बाद हो जाता है। तो ऐसे में जो हाई रेंज वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसे में मैं आपको बताने वाला एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो लॉन्च हो चुका है, जिसकी रेंज 200 से लेकर 250 किलोमीटर तक की है और जो कि है रिवोल्ट का NX100। रिवोल्ट नहीं कह रहा मैं, रिवोल्ट RIVOT ये है इसका NX100 जी है। ये आपको 200 से 250 किलोमीटर की रेंज देगा। कंपनी क्लेम, कंपनी दावा कर रही है, मैं दावा नहीं कर रहा, डोंट कोट मी ऑन दैट। इसीलिए तो अगर आप लोग जानना है कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है, क्या है प्राइस, स्पेसिफिकेशन, फीचर, रेंज, तो ये वीडियो पूरी अंत तक देना क्योंकि इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और ये मैं बता दूँ, ये एक तरह से आप लोग इसको मल्टी यूटिलिटी भी कह सकते हो। ये आप लोग डिलीवरी के लिए भी यूज़ कर सकते हो और ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, क्योंकि इसका लुक ही ऐसा है। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग अभी सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली बेस मिलती रहे और मेरे को मोटिवेशन आती रहे। मेरे को मोटिवेशन देने के लिए भैया सब्सक्राइब कर दो, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या जा रहा है आपका। एक क्लिक करके छोड़ दो, आपको कुछ नहीं जाएगा, मेरे को मोटिवेशन आती रहेगी। एक क्लिक करने में क्या जाता है, एक गलत जगह क्लिक मत करना बस। गलत जगह क्लिक कर दोगे तो भैया सारे पैसे उड़ जाएंगे बैंक से। यहाँ क्लिक कर दो कोई दिक्कत नहीं, गलत जगह क्लिक करोगे तो आपके सारे अकाउंट पैसे उड़ जाएंगे, तो वो मत करना। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वो भी बिना किसी डेडिकेशन के। जैसे हम गवर्नमेंट काम करती है, कोई डेडिकेशन नहीं है मिडिल क्लास को लेकर, बस वो टैक्स देने के लिए और यही वोट डालने के लिए, उसके फायदे में कुछ नहीं होता। कड़वा है मगर सच है। रिवोल्ट मोटर ने जो रिवोल्ट NX100 इलेक्ट्रिक स्कूटर है लॉन्च किया है, अनवील किया है, जिसमें आपको क्लासिक, प्रीमियम एलीट, स्पोर्ट और ऑफ लैंडर जैसे 5 वेरियंट मिलेंगे। हर एक वेरियंट के अंदर जो राइडर होगा उसकी जो रिक्वायरमेंट है और जो जरूरत है उसको वो पूरा करेंगे सारे वेरियंट जो है। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 90,000 स्टार्ट होती है, जो कि एक शुरू प्राइस है। अगर मैं रिवोल्ट NX100 के वेरियंट और कलर ऑप्शन की बात करूँ तो रिवोल्ट NX100 के अंदर आपको 5 वेरियंट मिलते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और अगर मैं कलर ऑप्शन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ब्लैक, वाइट, ग्रे, मिनरल ग्रीन, पिस्ता, पिंक और पर्पल मिलता है। और ये जो कलर है आपको क्लासिक, प्रीमियम और एलईडी मिलते हैं। तो रिवोल्ट NX100 इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलने वाले पाँच वेरियंट में स्ट्रीट राइडर वेरियंट क्लासिक, प्रीमियम और एलिट सहित 3 सब वेरियंट के साथ आता है, जो 7 कलर थीम पे बेस्ड है, जैसे कि ब्लैक, वाइट, ग्रे, मिनरल ग्रीन, पिस्ता, पिंक और पर्पल। स्पोर्ट वेरियंट जो है वो सफ़ेद और नारंगी डुअल टोन में आता है। और जो ऑफ लैंडर है जो कि टॉप वेरियंट है वो डेजर्ट रंग में आता है, मतलब कि ब्राउनिश रंग में हो गया आपका। रिवोल्ट मोटर की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो रेंज है इसमें जो कस्टमर है वो अपग्रेड कर सकता है कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के, और अपने मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपग्रेड कर सकता है। मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाते हुए रिवोल्ट NX100 पूरी तरह से इंडिया में बेस्ड और कर्नाटका में बनी हुई है। रिवोल्ट NX100 एकमात्र इलेक्ट्रिक स्कूटर के रूप में एक नया बेंच मार्क बना रहा है, जो सिर्फ एक रिचार्ज स्टॉप के साथ बेलगावी से बेंगलुरु की यात्रा पूरी करने में कैपेबल रहा है, जो लगभग लगभग 545 किलोमीटर की दूरी है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है आपको 100 किलोमीटर रेंज, तो ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इनकी जो वेरियंट है उसकी स्टार्टिंग जो रेंज है वो 100 किलोमीटर स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 300 किलोमीटर तक की जाती है, और इनकी जो टॉप स्पीड है वो 55 से 60 किलोमीटर तक की है। अगर मैं बैटरी वगैरह की बात करूँ तो इस व्हीकल के अंदर स्पेशल LiMFP बैटरी दी गई है, जो कि हर टेम्परेचर पे अच्छा परफॉर्म करती है, और इसे स्पेशली इंडिया के लिए डिज़ाइन किया गया है और इंजीनियर किया गया है। हाई पावर बाइक की तलाश करने वाले और ऑफ रोड की तलाश करने वाले जो कस्टमर है उनके लिए रिवोल्ट काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं रिवोल्ट के सभी ब्रांड की प्राइस की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया जो क्लासिक की प्राइस है वो 89,000 स्टार्ट होती है, और प्रीमियम ब्रांड की जो प्राइस है वो 1,29,000 तक जाती है, और एलिट की जो प्राइस है वो 1,60,000 तक जाती है, स्पोर्ट ब्रांड की जो प्राइस है वो 1,40,000 तक जाती है, और जो ऑफ लैंडर की प्राइस है वो सबसे महंगी है, वो जाती है 1,90,000 तक। ये सभी प्राइजेज एक्सट्रीम प्राइस है, आप लोग इसको कंपनी वेबसाइट जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी कोई ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे थे जिसकी रेंज ज़्यादा हो तो आप लोग इसको एक बार के लिए कंसिडर कर सकते हो। अगर आपके पास इसी भी कंडीशन है, इसमें कह रहा हूँ, अगर आपके पास इसका शोरूम है या सर्विस सेंटर अच्छे से अवेलेबल है, थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर भी अवेलेबल है तो भी ले लो। थर्ड पार्टी इन द सेंस कह रहा हूँ कि जैसे कोई अदर कंपनी का सर्विस सेंटर है तो उन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप करके बोल दिया कि भाई हमारे यहाँ सर्विस हो जाएगी, तो आप लोग वो भी ले सकते हो। इसीलिए बिना इसके मैं कोई भी रिकमेंड नहीं करता ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर कि भैया बिना सर्विस सेंटर के आप लोग कोई भी ले लो, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे फ़ोन वो आते हैं, ऐसे गैजेट्स आते हैं
जिनके सर्विस सेंटर मिलते ही नहीं, ढूंढ से नहीं मिलते। और अगर कस्टमर के फ़ोन कर दो तो उनका बिहेवियर अलग होता है, तो वो मत्थापच्ची ना करनी पड़े। इसलिए मैं पहले बोलता हूँ देख के लो। बाकी अगर आप फिर भी लेते हो या कंसिडर करते हो, मतलब ये सारी क्राइटेरिया होने के बाद आप लोग ले लेते हो, तो मेरे को जरूर टैग करना लेने के बाद या बुक कराने के बाद। मेरे को जरूर टैग करना किसी प्लेटफॉर्म पर या स्टोरी डाल देना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा, उससे मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अगर आपका मैंने कोई डाउट है, क्वेरी किसी बाइक को लेकर, गाड़ी को लेकर, इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम डीएम पे पूछ सकते हो। मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो उस क्वेरी भी डिटेल वीडियो बना दो तो ही मेरे को बता सकते हो, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ताकि आप लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम से कम समय के अंदर। मैं वीडियो फॉर्मेट कर दूँ ताकि आप लोग जब मन कर दे सको और चाहो तो शेयर भी कर सको। बाकी इस वीडियो से इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी, मीटिव लगी, तो आपको पता ही करना है लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मैं बाय बाय, टेक केयर।